बॉलीवुड सेलेब्स एक दूसरे पर करते हैं तीखे कमेंट्स, कभी ब्लॉग तो कभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो कभी मीडिया के सामने खुलेआम बी टाउन के सेलेब्स करते हैं टॉन्स होकर बेलगाम। कहीं आमिर खान करते हैं सलमान को लेकर जोक, तो कभी सोशल नेटवर्किंग के नाम पर फिल्म मेकर्स के बीच होती है नोकझोंक। स्टार्स थ्रो वर्ड्स एट ईच अदर लाइक पॉट्स एंड पैंस, और इस ड्रामे को विटनेस करते हैं उनके फैंस। और फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग एक दूसरे को अक्सर तभी करते हैं टीज व्हेन अ फिल्म हैज ऑलरेडी और इज अबाउट टू रिलीज। आमिर ने कहा कि सलमान हो गए हैं 46 इयर्स ओल्ड एंड दैट ही शुड टाई द नॉट। फिर थी सलमान की बारी टू गिव हिज शॉट, और सल्लू ने भी कह दिया कि कहीं आमिर तीसरी शादी ना कर ले। वहीं फिल्म धोबी घाट की रिलीज के पहले किरण राव ने बातों बातों में छेड़ दी सलमान और कटरीना के रिलेशनशिप की बात, और कर दिया रिवील कि सलमान और कटरीना नहीं है साथ साथ। शाहरुख खान की मच हाइप फिल्म रावण को शिरीश कुंदर ने कर दिया है बुरी तरह से क्रिटिसाइज। शिरीश ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पेज के थ्रू ये इशारा कर दिया कि SRK की 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में कोई खास दम नहीं है, और फिर इस कमेंट को भी पब्लिश कर दिया कि रावण का सुपर हीरो डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एंटरटेन। वैसे शिरीश की इस एक्टिविटी पर किंग खान ने अभी साइलेंस किया हुआ है मेंटेन। आमिर की फिल्म डेली बेली की पार्टी में पहुंचे अमिताभ बच्चन। He definitely grabbed lots of attention, मगर इससे आमिर को जरूर हो गई होगी टेंशन, बिकॉज मिस्टर बच्चन मेड हिज अपीयरेंस इन हिज बुड्ढा होगा तेरा बाप्स गेट अप, यानी आमिर की पार्टी में बिग बी ने अपनी फिल्म को प्रमोट किया। शाहिद कपूर ने जिनीलिया को दी अपनी बेस्ट विशेस जब उनकी फिल्म फोर्स हुई रिलीज, बट जिनीलिया's answer sounded more like a tease. उन्होंने ये लिख दिया कि एक मल्टीप्लेक्स में मौसम को उनकी फिल्म फोर्स ने रिप्लेस कर दिया है। अब ये तो सभी को पता है कि मौसम का बॉक्स ऑफिस पर हुआ है बुरा हाल। ऐसे में जिनीलिया ने अपने कमेंट से शाहिद को कर दिया और भी बेहाल। मेकर्स राम गोपाल वर्मा और करण जौहर के बीच भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर वॉर ऑफ वर्ड्स होती नजर आई थी, जब राम गोपाल वर्मा ने करण की फिल्म माय नेम इज खान और कुर्बान को लेकर कुछ फनी रिमार्क्स कर दिए थे, और फिर करण ने भी रामू को उनकी बात का जवाब दिया था। लास्ट ईयर सलमान खान ने अपने रियलिटी शो में संजय लीला भंसाली की फिल्म्स को लेकर कहा था दैट नॉट इवन अ डॉग विल वॉच हिज फिल्म्स। उस वक्त संजय लीला भंसाली की गुजारिश रिलीज हुई थी। लेटर ऑन सलमान वाज हर्ड सेइंग दैट ही वाज नॉट रेफरिंग टू गुजारिश बट ही वाज टॉकिंग अबाउट संजय's फिल्म्स इन विच सलमान हैज वर्कड। रणबीर कपूर आजकल पूरी कोशिश और हार्डवर्क के साथ अपनी फिल्म रॉकस्टार को प्रमोट कर रहे हैं, और इसी दौरान आरके ने उड़ाया है सोनम कपूर का मजाक। लगता है फिल्म की रिलीज के वक्त ही रणबीर भी हो गए हैं बेबाक, और देखा जाए तो बाकी सभी स्टार्स के नैस्टी रिमार्क्स और टीसिंग जोक्स शायद तभी सामने आते हैं जब किसी एक की फिल्म की रिलीज डेट आसपास हो, जब किसी की फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई हो, या फिर जब किसी की फिल्म का प्रमोशन चल रहा हो, तब सुनने को मिलते हैं ऐसे कई स्पाइसी स्टेटमेंट्स। कोइंसिडेंटली बॉलीवुड स्टार्स किसी न्यू फिल्म के आने पर हर्ट करने लगते हैं एक दूसरे के सेंटिमेंट्स। तो सिमी, पिक्चर सलमान की रिलीज हो रही है एंड पॉट शॉट्स कर रहे हैं आमिर खान। I don't think it's anything to do with criticizing the rival, because that they can do behind their backs as well. The whole thing is ki ek unka jo rival hota hai at that time, I'm not talking about Aamir Khan in particular here, please, I want to clarify that. To jab ek star dekh raha hai ki uska rival abhi sab jagah chhaya hua hai and his movie is doing well or probably is carrying good reports and it's going to do well, तो शायद वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि ओ माई गॉड ये मेरे से आगे तो नहीं जा रहा। सो इट्स नॉट सो मच अबाउट जेलसी एंड क्रिटिसाइजिंग द स्टार हु इज गेटिंग द मूवी रिलीज, बट इट्स अबाउट ओ माई गॉड वो मेरे से आगे जा रहा है, ओ यू नो वॉट आई हैव टू ग्रैब द लाइमलाइट, बिकॉज ये स्टार्स जो हैं लाइमलाइट से, अटेंशन से, पब्लिसिटी से दूर नहीं रह सकते हैं। डू यू थिंक इट वर्क्स फॉर देम?
I'm sure it does because when Aamir Khan had the Delhi belly thing and Amitabh walked in there with the Buddha Hoga Tera Baap attire and everybody was talking about him, that is Amitabh Bachchan. And when Aamir Khan started cracking jokes about Salman Khan's age and the fact that he's not married, it did help Aamir Khan because the movie was ready, right? Salman's Ready was about to be released. But there we were talking about Aamir Khan, who had nothing at that time to really talk about. So it does help. And if you look at it right now, Shah Rukh Khan ki movie jo Ravan release hui hai, it's carried very mixed reports. It has very mixed reactions. So it's probably not making a lot of people insecure, worried right now. तो उनके ऊपर अभी कोई पॉट शॉट्स नहीं लेगा। I hope he's happy about this, you know. I'm not sure if I was in Shah Rukh Khan's place, I would be happy if nobody's running me down because it's not a very good sign.